नेपाल का ये पंचमुखी रुद्राक्ष रहता है, मुखी माला 108 दाने की, वो भी नेपाल की। नेपाल की पंचमुखी माला कैसी होती है 108 दाने की, उसकी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। नेपाल का ये पंचमुखी रुद्राक्ष रहता है, ये टोटल जो माला है इसके अंदर जो बीट्स यूज हुए हैं वो 108 प्लस 109। सुमेरु के साथ अगर मैं आपको कहूँ तो टोटल 109 बीट्स इस माला में यूज हुए हैं। ये नेपाल की है, इसकी साइज है 70-18 mm। हर हर महादेव। मैं मोती सिंह राजपुरोहित, फाउंडर ऑफ खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी प्रहलाद नगर अहमदाबाद से आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। आज का वीडियो लेके आए हैं रुद्राक्ष के विषय में। हमारे बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पे हमने अलग अलग टाइम में डाले हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, प्रसारित किए हैं समय समय पे। जैसे जो अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आता है, स्टॉक आता है, हम उसकी वीडियो बना के आपके सामने लाइव करते हैं। इसी विषय में आज का वीडियो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पंचमुखी रुद्राक्ष फ्रॉम द नेपाल। सबसे उत्तम रुद्राक्ष जो माना जाता है वो नेपाल का माना जाता है। उसी विषय के आगे मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ, पंचमुखी रुद्राक्ष फ्रॉम द नेपाल। सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी पंचमुखी रुद्राक्ष की रहती है। और आज की वीडियो में पंचमुखी माला 108 दाने की, वो भी नेपाल की। नेपाल की पंचमुखी माला कैसी होती है 108 दाने की, उसकी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। उसकी क्या साइज मिलती है, किस तरह से मिलती है, मार्केट में बहुत सारी मालाएं हैं, मिथ्याएं अलग अलग टाइप की, ये नेपाली माला है, ये नेपाल से है, इस तरह से तो काफी लोग बेचते हैं इस तरह से। तो आज आपको एक ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया हमने, जिसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिले कौन सा रुद्राक्ष होता है नेपाल का, उसका साइज क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, आप रेगुलर उसको धारण कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रो इंडिया खेतेश्वर रुद्राक्ष पे। देख चलता हूँ, ये सामने आपको जितने भी ये सुंदर सुंदर रुद्राक्ष दिख रहे हैं, ये सारे ही पंचमुखी नेपाल रुद्राक्ष हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से कंठे तैयार किए गए हैं 108 दाने की। एक कंठा में आपको ओपन करके पूरा दिखाता हूँ इसकी लेंथ क्या होती है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष फ्रॉम द नेपाल, नेपाल का ये पंचमुखी रुद्राक्ष रहता है। ये टोटल जो माला है इसके अंदर जो बीट्स यूज हुए हैं वो 108 प्लस 109। सुमेरु के साथ अगर मैं आपको कहूं तो टोटल 109 बीट्स इस माला में यूज हुए हैं। ये नेपाल की है, इसकी साइज है 70-18 mm। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कम से कम अगर मैं साइज को, ये सबसे छोटा जैसा है, ये 15-16 mm के आसपास है। 15-16 mm से छोटे साइज के नेपाल के बहुत ही कम रुद्राक्ष मिलते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, अवेलेबिलिटी कम होती है। तो अगर आप जैसे रेगुलर वेयर बेसिस पे अगर माला धारण करना चाहते हैं तो आपको माला मिलेगी इंडोनेशियन, जिसकी लेंथ और साइज छोटी होती है। छोटी साइज की जितनी भी मालाएं होती है वो इंडोनेशियन होती है। अगर आपको प्रॉपर अगर पूरी नेपाल की माला लेनी है तो आपको ये साइज में ही मिलेगी, कभी भी छोटी साइज में नहीं मिलेगी। बहुत रेयर होता है कि कुछ कुछ बीट्स इकट्ठा करके कभी कभार बना दी जाती है। बहुत अलग अलग टाइप की उसमें वेरिएशन आएगा, कलर वेरिएशन आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नेपाल की अगर 108 दाने की आपको माला लेनी है तो आपको इसी तरह का एक कंठा प्राप्त होगा, उसी कंठे का आप प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इजिली पंचमुखी रुद्राक्ष फॉर्म में नेपाल नहीं मिलेगी। इसका प्रयोग आप लोग बोलेंगे काफी बड़ी लेंथ है, लंबी भी है, इसको मैं धारण कैसे करूंगा। तो इसमें अगर मैं आपको कहूं, अगर आप पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 54 बीट्स का कंठा यूज कर सकते हैं। 108 बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप इसको धारण भी करेंगे तो इसको 2 times इस तरह से गले में डाल के धारण करना पड़ेगा। और ये 54 बीट्स का, ये देखिए, ये लेंथ होता है। तो आप इसको धारण कर सकते हैं, पूजा करते समय पहन सकते हैं। 108 अमूमन रेगुलरली अगर मैं कहूँ आपको, तो बड़ी शिवलिंग वगैरह है या माता जी की मूर्ति वगैरह है और अलग अलग शिवलिंग वगैरह पर चढ़ाने के लिए लोग ज़्यादा यूज करते हैं, और कुछ साधु महात्मा वगैरह हैं तो वो भी इसको उसी तरह से यूज करते हैं। तो आप एक अच्छी माला पहनना चाहते हैं, वेयर करना चाहते हैं, तो आप 33 बीट्स या 54 बीट्स का एक कंठा बना के, स्मॉलर मीडियम लार्ज जैसा आपको कंफर्टेबल रहे, सिल्वर गोल्ड में आप बना के पहन सकते हैं, रेड थ्रेड में बना सकते हैं। आप रुद्राक्ष लवर हैं तो आपको ये बीट्स जो हैं बहुत ही प्यारे बीट्स मिल सकते हैं आपको यहाँ से। सारे नेपाली काफ़ी क्वांटिटी है इसके अंदर,
सारे यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर अभी 10,000 मालाएं हमारे पास रेडी है 108 बीट्स की। 108 बीट्स में अगर आपको पूरा क्वांटिटी में चाहिए कि मुझे एक साथ 5,000 7,000 10,000 माला चाहिए तो भी हमारे पास रेडी स्टॉक में है, आपको ये सारी मालाएं मिल जाएंगी। इसमें 54 बीट्स की माला चाहिए तो भी आपको रेडी स्टॉक में है, हमारे यहाँ से इजीली मिल जाएगी और वो भी प्रॉपर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की क्वालिटी आप देखेंगे माला के ऊपर, अगर मैं जूम करके बताता हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन बीट्स हैं। एक एक बीट्स मैं दिखा सकता हूँ आपको, नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरे बीट्स हैं और सिमिलर बीट्स यूज किए गए जितना पॉसिबल हो सकता है, उसमें हमने सारे ही सिमिलर बीट्स यूज किए हैं, बहुत ही प्यारे बीट्स हैं। एक अच्छा पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष या नेपाली कंठा बाय करना चाहते हैं, वेयर करना चाहते हैं तो बहुत ही सही समय है, इस श्रावण मंथ के अंदर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल जो रुद्राक्ष होता है नेपाल का वो ऑलवेज बड़ी साइज होता है, दो मुखी या तीन मुखी है उनकी साइज छोटी 12 mm 10 mm मिल सकता है आपको, लेकिन 4 मुखी 5 मुखी 6 मुखी 7 मुखी 8 मुखी 9 मुखी 10 मुखी जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े मुख में जाएंगे उनमें छोटी साइज अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, मतलब एकदम छोटा तो आपको मिलेगा ही नहीं कभी। तो मैं जब भी कहूँ आपको जो भी रुद्राक्ष के कंठे मिलेंगे वो बड़ी साइज में आपको मिलेंगे। तो ये जितने भी कंठे हैं सारे ही नेपाल के हैं, बहुत ही बढ़िया साइज में हैं, आपको बेहतरीन क्वालिटी में कंठा चाहिए आप हमारे यहाँ से संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये जाप वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ी होती है, आपको कंफर्टेबल रहे उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, या मंदिर में जैसे मूर्ति वगैरह पे स्थापित चढ़ाने के लिए ये मालाओं का उपयोग आप कर सकते हैं, अलग अलग प्रयोग हुए उसके। आप ये बड़ी माला को सुबह आप डेली बेसिस पे वर्षित करते हैं, उस टाइम दो फोल्ड करके भी आप इसको इस तरह से धारण कर सकते हैं अंदर डायरेक्टली, तो उस तरह से भी इसका प्रयोग करके आप साधना वगैरह करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के लिए पावर के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। पंचमुखी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप लोगों को लास्ट के बहुत सारे वीडियो में बताया है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर गुरु ग्रह होता है, गुरु ग्रह रिलेटेड आपको कोई भी पावर लेना है, बैलेंसिंग लेना है, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पंचमुखी का आप प्रयोग करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8888990399, एक और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 9601997633, रिपीट करता हूँ मैं 9601997633, ये दोनों ही व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो भी डिमांड होगी हमारे यहाँ से पूरी की जाएगी। क्षेत्र रुद्राक्ष में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें जिससे और भी लोगों को ये अच्छी जानकारी मिले और उन तक ये सारे प्रोडक्ट पहुँचे। हमारा एक ही टारगेट है आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिले, ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले विथ प्रॉपर नॉलेज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे जो YouTube चैनल है एस्ट्रो इंडिया खेती से रुद्राक्ष को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे जो भी नए नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप तुरंत वीडियो को देख सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।